भोपाल में आए दिन खाद्य पदार्थों में कॉकरोच, कीड़े, छिपकली का निकलना लगातार जारी है। बार बार चेतावनी देने के बाद भी भोपाल में कीड़े मकोड़े निकलना थम नहीं रहा है। इस शहर के नाम चेंज होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर आए दिन कॉकरोच और अन्य कीड़ों का मिलना आम बात हो गई है। सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के कारण अब खाद्य विभाग की नींद खुली है और वह अपनी छवि को सुधारने में लग गया है। जिला खाद्य अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच हेतु उन्होंने हॉकर कॉर्नर शिवाजी नगर भोपाल स्थित कोमचो का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट मित्रम में कॉकरोच की उपस्थिति और गंदगी में भोजन का निर्माण, साथ ही खाद्य पंजीयन न होना ऐसी त्रुटि पाई गई। इसी दुकान के समीप स्थित मुंबई पाव भाजी पंडित जी झीले वाले तथा बाबा जलेबी भी अत्यंत गंदगी और अव्यवस्था के बीच भोजन का निर्माण कर रहे थे। साथ ही बाबा जलेबी के पास खाद पंजीयन भी नहीं थी। इन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई कर इन दुकानों को सील कर दिया गया है। बताया गया कि दुकानों में पक्के फर्श तथा स्टोर की समुचित व्यवस्था बहाल कर खाद पंजीयन प्राप्त करने के बाद ही इन दुकानों को दोबारा खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।